इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? मोदी मोदी मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल गांधी ने 3 बार मोदी का नाम क्या ले लिया करप्शन के संदर्भ में। ओबीसी का अपमान करने के जुर्म में राहुल को कोर्ट घसीटा गया, और जहां रेप मर्डर लूट करप्शन के केसेस में मिलती है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वहीं इस संगीन अपराध के केस को जल्दी से फास्ट ट्रैक किया गया और सजा भी सुनाई गई। मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार, राहुल गांधी हैज बीन कन्विक्टेड इन द डेफोमेशन रोल। इसके बाद कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया कि जिन मोदियों का नाम राहुल ने लिया था वो तो ओबीसी है ही नहीं। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज है, जिसको रिजर्वेशन, जॉब, एजुकेशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है, उसमें कोई भी कम्युनिटी या कास्ट बाय द नेम ऑफ मोदी तो है ही नहीं। लेकिन ये सब बोलने का क्या फायदा? जैसा कि एक मशहूर ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर ने एक बार कहा था, Who said facts are facts? Fact तो यही है कि 2 साल की सजा होने के बाद राहुल की एमपी की कुर्सी हाथ से गई। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। राहुल गांधी has been disqualified. साथ ही साथ सरकारी बंगला को भी खाली करना पड़ा। अरे भाई, मोदी अडानी के संबंध के बारे में अगर आप ऐसा बोलोगे तो नतीजा तो कुछ ऐसा ही होने वाला था। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? लेकिन सवाल यह है कि एक रैली में मोदी मोदी करने पर इतना बड़ा जुर्माना, जबकि दूसरे लीडर्स इससे कई गुना बदतर, घटिया, घिनौनी बातें करते रहते हैं, उनके साथ तो कभी कुछ नहीं होता है। क्या राहुल के डेफेमेशन केस के बाद अब दूसरे नेताओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? क्या उनकी भी अब सुनवाई होगी, फास्ट ट्रैक होगा, डेफेमेशन केसेस खुलेंगे? क्या ये लोग भी जेल जाएंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। हमारे देश में अगर किसी का नाम पप्पू या सरनेम गांधी या नेहरू हो तो उनका जीना काफी मुश्किल हो गया होगा अभी तक। सोचो अगर ये सारे गांधी टाइप लोग मिलकर केस कर दे, या फिर बेटर स्टिल राहुल गांधी खुद ही अब केस फाइल करना शुरू कर दे, जो भी उनको गाली दे, जो भी उनको पप्पू बोले, बहुत पैसा कमा सकते हैं। डिसलेक्सिक पीपल, डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी। उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है? राहुल गांधी को अपनी माँ की बैकग्राउंड याद रखनी पड़ेगी, तभी अपनी बुआ पर टिप्पणी करनी चाहिए। नहीं मनाएंगे पप्पू को, हारने का डर लग रहा है। सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968, मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ वो तो वैश्या थी और एक पाकिस्तानी एस्कॉर्ट एजेंसी की काम कर रही है। Is he sure after such a number of years he has to grow out of the diapers that he is wearing? और राहुल गांधी नहीं, सिर्फ राहुल गांधी के सस्पेंशन के बाद कांग्रेस वाले भी सोच रहे होंगे, यार हमें तो रोज ये लोग ठोकते हैं, हमारी बात तो कोर्ट कभी नहीं सुनती है, शायद हम में ही कोई गलती होगी। भाई बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड गरीब देश में? मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। पप्पू प्रधानमंत्री है कांग्रेस का, कोई पिछू मारता है? बिल्कुल चुटकले चटकले बिल्कुल सही सुना रहे हैं, जो भी सुना रहे हैं। मित्रों, ये 125 साल की गुड़िया कांग्रेस हिंदुस्तान पर बोझ बन गई है। मेरे कांग्रेस के मित्रों को मेरी 125 साल वाली सच्चाई पसंद नहीं आती है, उनको गुड़िया कांग्रेस वाला मामला अच्छा नहीं लगता है, तो आज से हम ये कहना बंद करेंगे कि वे कांग्रेस 125 साल की गुड़िया नहीं है, कांग्रेस गुड़िया कांग्रेस है। ये पॉलिटिक्स भी कितनी अजीब चीज है। बच्चा बोलो, युवराज बोलो, वो गाली, बुढ़िया बोलो, वृद्ध औरत बोलो, वो भी गाली। लेकिन बुढ़िया भी अगर सर फिर जाए तो पलट कर बहुत कुछ बोल सकती है। ये बहन तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादर के बच्चे। अबे एडिटर थोड़ा कंट्रोल करो। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस को जब गुस्सा आता है तो काफी अनाप शनाप बक देती है कांग्रेस पार्टी भी, चाय वाला से लेकर नीच से लेकर नाली का कीड़ा। नोश फरमाइए। नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कि यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंदी नाली, ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो। मोदी भस्मासुर हैं, वो उन लोगों को भस्म कर देंगे
जिन्होंने उन्हें बनाया। चुप जोकर कहीं का, ये देखे बोला बदतमीज आदमी, तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े, क्या बोल रहे हो ये तुम, नाली का कीड़ा। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। लेकिन चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, जहां आती है औरतों की बात वहां नियत और जबां दोनों ही फिसल जाती है। पॉलिटिक्स में एक औरत कुछ कह दे, कुछ कर ले, या कोई लीडर जो उनको हिदायत दे, मर्द टाइप नेता लोगों को यह तो बात गवारा नहीं है, यहां तक कि वैश्या के साथ कंपैरिजन। लेकिन कभी आपने कोई डेफेमेशन केस देखा है, कभी किसी को जेल जाते हुए देखा है? औरतों की इज्जत की नीलामी होती है कैमरा के सामने, लेकिन चू तक नहीं होता है कोर्ट में। आज मायावती जी आज टिकटों का इस तरह से बिक्री कर रही है, ये बेस यदि किसी पुरुष के साथ यदि कोई कंटेक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है। सबको पता है जब प्रियंका गांधी दिल्ली में रहती है तो जींस और टॉप में रहती है, और जब क्षेत्र में आती है तो साड़ी और सिंदूर लगा करके। राजीव गांधी लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? रेल में फांसी दी जाएगी, तीन लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो मायावती, अखिलेश यादव, पप्पू और पप्पू की पप्पी भी आ गई है। अरे स्कर्ट वाली बाई साड़ी पहनकर मंदिर में शीर्ष लगाने लगी। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। किसी वक्त बात फर्क हो जाता है कौन सब्जी है कौन सही है। ये शॉर्ट टच माल है। भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि उनके पार्टी में खुरदुरु चेहरे हैं। एक हेमा मालिनी है बेचारी, उसको जगह जगह वो नृत्य कराते रहते हैं, शास्त्रीय नृत्य। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। काफी वजन है, हा? वजन तो है आवाज में, ये तो मानना पड़ेगा, बेस है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि राहुल गांधी के इस चोर कॉमेंट से ओबीसी को गहरी ठेस पहुंची है, लेकिन फिर उन लोगों का क्या जिनके आए दिन धर्म के नाम पर बहिष्कार होता है, अपमान होता है, जिनका नेता टाइप लोग खुलेआम डेफेमेशन कर रहे हैं, आए दिन कर रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। आग करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो, अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। गद्दारों को होली मारो, सालों को देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे। अरे जो भी लांडा लव जिहाद करेगा, अरे बेटा तुम आधे कटे हो पूरे काट देंगे। एक रुपए की चीज भी अगर हम खरीदेंगे तो हिंदू से खरीदेंगे, ना कि लव जिहादी से खरीदेंगे। ये तो सैंपल था, अगर एडिटर सारा बाइट चलाना शुरू कर दे तो बहुत लंबा एपिसोड बन जाएगा। यू गेट माय पॉइंट। वैसे सिर्फ एक ही समुदाय नहीं, किसी ने भी जिसने अपनी आवाज उठाने की जरूरत की, उसे बुरी तरीके से डिफेम किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो किसान हो, कोर्ट्स कुछ नहीं करती है। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग ने JNU को देश द्रोह का केंद्र बनाने की पूरी कोशिश की। चलो ये सब केसेस तो नेता टाइप लोग कोर्ट में लड़ भी लेंगे, लेकिन क्या हो अगर जनता ने उनके ऊपर केस करना शुरू कर दिया उनका पोपट बनाने के आरोप में? सालों से उनका जो अप्रैल फूल बनता रहता है पूरे साल, अगर उसको लेकर कोर्ट पहुंच गए हैं, सारे के सारे नेता टाइप लोग ना पार्लियामेंट से आउट होंगे, जेल के अंदर पाए जाएंगे। आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। देश के किसानों की आय दो गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें
गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पर उतरा वाशिंगटन के और सड़कों पर चल के आया तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट्स से ज्यादा बेहतर है। अगर राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया, जानबूझकर किया है, तो हायर कोर्ट्स को उनकी सजा एक दिन कम नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर राहुल गांधी सच में गुनहगार है तो फिर नेताओं की एक लंबी फिरिस्त है जिन्होंने हमारे देश के नागरिकों, कई समुदायों का अपमान किया है, उनको डिफेम किया है, हमारे डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया है, फिर उनके ऊपर भी उतनी तेजी से ही कार्यवाही होनी चाहिए। अगर नहीं तो यह सब हमारे साथ एक और अप्रैल फूल ही मनाया जा रहा है। ठीक जैसे राहुल गांधी ने देश के बारे में बार बात करके देश का बहुत बड़ा अपमान किया, क्योंकि ऐसा काम किसी और ने तो किया नहीं, देश के बाहर देश के बारे में किसी ने और आज तक कभी कुछ गलत नहीं बोला है। पहले भारत की पहचान थी स्कैम इंडिया, हम बनाना चाहते हैं स्किल इंडिया। एक समय था जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुई है, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और, छोड़ो यार डूब गए कुछ होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। केजरीवाल जैसे नटवरलाल, केजरीवाल जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद अपने गृहमंत्री, पुलिस अधिकारी, इंटेलिजेंस के अधिकारी और एटीएस के अधिकारियों को एक लड़की के पीछे लगा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर उसका कोई चरित्र नहीं है। क्या हमारे प्रधानमंत्री आईएसआई एजेंट है? जिस तरह से प्रधानमंत्री भारत विरोधी शक्तियों के सामने समर्पण करते जा रहे हैं,